पिक्चर चालू करो बे। आप अल्लाह से पहले मांगिए, उसके साथ अपना मामला जो है अच्छा रखिए। अगर अल्लाह आपको यहाँ भूखा भी मारता है ना, चलेगा? चले, एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। घर बहुत सारे लोग बोल रहे थे मुझे यहाँ घर नहीं है, घर नहीं है। चलेगा ये फॉरएवर यहाँ पे रहेंगे क्या? हम नहीं रहेंगे यहाँ, नहीं चाहिए हमको घर, हमको चाहिए जन्नत में। मैं यहाँ आई हूँ क्यों? क्योंकि मेरा जन्नत का घर नहीं बना है, मैं मेरे घर जन्नत में बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए यहाँ घर। आपको भी अगर कोई शिकवा है कि यहाँ चाहिए, यहाँ यहाँ नहीं चाहिए, वहाँ चाहिए, पहले वहाँ के लिए पूछो, फिर अल्लाह देखो तुमको कैसे देता है। घर बैठे लोग आके तुमको देंगे, तुमको खाना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बट क्या तुम एक रात खाने के बगैर सोए हो? कुछ ना कुछ तो मिलता है ना, अल्लाह भेजने वाला है। तो अल्लाह के साथ अपना मामला एकदम पक्का रखो, अल्लाह ताला जरूर आपकी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। अगर आपकी ख्वाहिशों को नहीं पूरा करेगा तो आपके बच्चों की ख्वाहिशों को तो जरूर पूरा करेगा। तो राम राम भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं संस्कारी नेताओं का फनी मीम्स क्लिप। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग से अनुरोध है कि प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे प्रार्थना की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारे इस्लाम में है 3 तलाक, हर चीज हमारे इस्लाम में बहुत कायदे से और औरतों की सहूलत के लिए बनाया गया है। अगर हम अपने इस्लाम के हिसाब से देखें तो हमारे लिए वही अच्छा है जो हमारे इस्लाम में बताया गया है। इस हिसाब से आप 3 तलाक को सही मानते हैं, क्या आप हलाला को भी सही मानते हैं? एक हद तक। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। 3 तलाक हटाने से क्या फायदा हो गया, ये बताओ हमें। इन महिलाओं के साथ गलत औरतों उनके साथ फायदा नहीं, क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। 3 तलाक पर कानून बनाए, ये सही है भाई। पता है हमारे उसमें क्या आते थे कि बहुत ज्यादा फायदा, नाजायज फायदा उठा रहे थे। एक का मतलब गलती नहीं है, बच्चा वो हो रहा है, सारे काम हो रहे, उसके बाद भी तुमने दूसरी शादी कर ली, ये सही है। इससे महिलाओं में भाई, महिला की इज्जत हो रही है भाई। बहन भाई के अलावा आपस में क्या रिश्ते आप लोगों का, जल्दी बताओ, टाइम जाया नहीं करो। बहन भाई के अलावा आपस में क्या रिश्ते? गलत रिश्ता था। हाँ, गलत रिश्ता था। गलत रिश्ते है? हाँ जी बताओ जी, बताए बताए, शाबाश, गलत रिश्ते है। वो भाई ने कह दिए, आप बताओ जी। वो तुम्हें शर्म नहीं आई? वो तुम्हारा सगा भाई है, वो तुम दोनों को शर्म नहीं आई? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ दो जवाब। गलती होगी? गलती होगी, कितनी दफा उसके साथ तुम रिलेशन में रही हो? इतनी बेहूदगी, इतनी बेहयाई, एक सगी बहन का सगे भाई के साथ गलत रिलेशन है, यही तो कयामत है। सबसे पहली बात, अंधभक्तों से बात करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, अंधभक्त का मतलब ये होता है तुम कुछ भी कहो वो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ठीक है, समझ गया। मेरा भाई, आपने कैसे अंधभक्त बोला मेरे को? अंधभक्त क्यों बोला? ये इंग्लिश मत झाड़ो, ये अंग्रेजों के पास जाकर झाड़ना, ठीक है? तुम क्या, केजरीवाल फिर से सीएम बन पाएंगे? मिलाएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अच्छा, क्या कारण है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अंधभक्त की बात यहाँ से आई ना, इन्होंने बोला पुल गिर गया, मैंने बोल दिया कि कांग्रेस ने बनवाया था, गिर गया। तो ये कह रही जो सत्ता में होता है उसकी जिम्मेदारी होती है क्या? एयरपोर्ट बारिश के बाद गिरा था, वो भी कांग्रेस के टाइम का था, उसको भी बीजेपी का टैग चिपका के, कि बीजेपी के टाइम का बना हुआ था, गिरा दिया। तो मतलब आप बीजेपी का टैग चिपका दो, उसके बाद वो बीजेपी ने जिसे बनवाया वो गिर गया, तो फिर आप बताओ भाई, हम अंधभक्त है कि तुम चाटने वाले चमचे हो? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमने MBA कर रखे हैं, MBA करके मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं और 20,000 की नौकरी कर रहे हैं। घर वालों ने लाखों रुपए लगा दिए फिर भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा। 20,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी में जो हमारे माँ बाप 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए MBA कराने में लगाएं, वो हम कहाँ से पूरे करेंगे? बच्चे कैसे पालेंगे? कहाँ से 20,000 में घर चल जाएगा? MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? MBA का होता है मैनेजमेंट बिजनेस। आगे और बिजनेस करने के लिए MBA, अरे MBA क्या होता है यार, तुम्हें पता नहीं MBA क्या होता है? अगर मीडिया के साथ इंटरव्यू होता है तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, सर आप बटुए में पैसे रखते हो? सर आप आम चूस के खाते हो? अच्छा, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, सबसे बड़ी चोर है, ये सब खरीदी हुई है, घटिया मीडिया है ये, बिल्कुल ठीक है, समझ गया। भैया ध्रुव, ध्रुव 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 राठी कौन है? भैया आप ईमानदारी से इसके लिए तालियां बजाओ, या खरीदा हुआ नहीं है? आप बजाओ,
आप बताओ ध्रुव राठी कौन है? एक मिनट, अब ध्रुव राठी का कंटेंट देखो आप जाके, इतना बढ़िया एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है ध्रुव राठी। एक मिनट ले, जर्मन शेफर्ड जिसको दिक्कत हो रही है पूछ पाड़ ले, ध्रुव राठी मुर्दाबाद। पैसे लेके बोलता है। रमजान का मुबारक महीना आने वाला है और इस महीने को देखते हुए सऊदी अरब ने रमजान का जो प्लान है वो दुनिया के सामने पेश किया है। उन्होंने बैन लगाया है कि मस्जिद के अंदर अफ्तारी नहीं होगी, स्पीकर्स में अजानें नहीं होंगी, इमाम साहब की अजान और उनका खुतबा मस्जिद के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। कि हमारी जो सऊदी अरब की जो विमेन है ये उनकी मर्जी है, वो जैसा चाहे वैसा लिबास पहन सकती है। आप समझ रहे हैं ना कि सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज करे। और दोस्तों ये वही चीज है जो उत्तर प्रदेश इंडिया में योगी आदित्यनाथ ने की, सेम चीज को कॉपी किया है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने। हमने ये देखा है कि जो अरब पे जो है भगवा रंग चढ़ रहा है, इंडिया का रंग चढ़ है। राहुल गांधी के जाने निकले, राहुल गांधी के जानी ना, कभी कभी समाचार में अथिया में कोई कोई के मोबाइल में देखी ना तो वो बोला लान, वो तो कहला ना पैसा डालेंगे महिला के गरीब के एक एक लाख डालेंगे, खटाखट 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 खटाफट डालेंगे। आया इतना दिले कहाँ रहा फटाफट खटाखट खटाखट कहे ना कहला, इतना दिले कहाँ रह फटाफट खटाखट कह रहा आज कहता रह। आज आज तो कम से कम देवे खातिर सोच रहा, आज बुद्धि खुला ला मोदी जी चमकैला हम तो हैं, इतना दिले ना फटाफट खटाखट चलत रहे। गुरु ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर्षित माहि करत मन मोहि, राम प्रभु सुख नाम ही होई। एहि विधि करहुए सुख ही अनंता, हर मुश्किल टल जाए संता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उसको ऐसे ये कौन है? ये तो गुगली है। गुगली बोले तो, अरे बोलने तो दे उसको। हेलो अंकल, हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपया 8,500 रुपए महीने का ठका खा ठका ठक ठका ठक ठका ठक हमारी सरकार डालेगी। बाय बाय। ऊपर वाले ने भी आइटम बनाए। तो सभी सनातनी भाई बहनों को राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं संस्कारी नेताओं का फनी मीम्स क्लिप। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो आप लोग से अनुरोध है कि प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं उसे प्रार्थना की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।